this could be us. So back to what I was saying. This could be us. तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को. ओके, तो क्या चीज डिस्कस करें आज, आप बताओ. ओके, हाँ, फॉरेक्स तो हमारा करना ही है. फॉरेक्स तो हमारा वही है कि फॉरेक्स ही हम डिस्कस करेंगे आगे. बट संजय भाई, मैंने थोड़ी देर पहले सुना आपने कहा था कि कोई डाउट मैंने देखा नहीं, तो वो पूछ लो पहले. क्या होता है ना, कभी मिस हो जाता है मैसेज, तो आप दोबारा क्वेश्चन मार्क करके भेज सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. कभी मैसेज देखता नहीं हूँ ना, तो मिस हो जाता है. ठीक है. हेलो. हाँ हेलो भाई. हाँ भाई बताओ. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. फॉरेक्स टॉप डाउन करेंगे, पूरा फॉरेक्स को एनालिसिस करेंगे. ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो आगे हम वही करने वाले हैं आज. देखो, स्कैल्प तो ऑनेस्टली बताऊंगा, स्कैल्प अगर आप एसएमसी कर रहे हो तो स्कैल्प नहीं हो पाएगा आपसे. ठीक है, एसएमसी में क्या, नहीं, 5 मिनट को हम इंट्राडे कहते हैं. स्कैल्प होता है सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर. अब 1 मिनट के अंदर आप एसएमसी के बेसिस पर ट्रेड नहीं ले पाओगे, ये कंफर्म है. ठीक है, तो स्कैल्प की अलग स्ट्रेटेजी थी. स्कैल्प मेनली किया जाता है कैंडल्स के ट्रेड पर. ठीक है, मान लीजिए कहीं पर हैमर कैंडल बन गई या कोई ऐसी बुलिश कैंडल बन गई, बेयरिश कैंडल बन गई, तो वहां से ही आपने एक दो कैंडल्स के ट्रेड ले लिया. ठीक है, 1:2 के आसपास एरर का, तो उसको कहते हैं स्कैल्प. अगर आप प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर करोगे या स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर ट्रेड करोगे तो स्कैल्प नहीं कर पाओगे. ठीक है, नॉर्मल ट्रेड आप कर पाओगे. ठीक है, स्विंग करनी है, स्विंग के लिए बहुत इजी है. स्विंग डेली से नीचे देखना ही नहीं है. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम से नीचे देखना ही नहीं है, वो ऑफकोर्स स्विंग बन जाएगा. वीकली देखो, मंथली देखो, डेली देखो, वो स्विंग है. लेकिन अगर आप 1 आवर या 2 आवर से नीचे के टाइम फ्रेम को देख रहे हो तो वो इंट्राडे के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसी दिन आप बाय करोगे, उसी दिन आप सेल करोगे. 4 आवर 2 आवर के आसपास देखोगे तो वो BTST होता है. आज आपने खरीदा, कल आपने बेचा. ठीक है, वो BTST के अंदर आ जाता है. BTST मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ. ठीक है, BTST में बहुत, मतलब बहुत कम, कभी मेरा, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो कभी मेरा ऑप्शन होल्ड पे है अच्छा खासा, तो मैं BTST होल्ड करूंगा, वरना मैं BTST होल्ड नहीं करता हूँ. ठीक है, इंट्राडे ही मैं मैक्स करता हूँ. स्विंग में, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करता हूँ, फॉरेक्स में भी नहीं करता हूँ. फॉरेक्स में ये सिस्टम चलता है मेरा, जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आता है वो होल्ड रहता है. मेरा ऐसा कुछ नहीं है, 1 घंटे में ही टारगेट आ जाएगा तो 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगी ट्रेड. 2 दिन में टारगेट आएगा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी. USD JPY की है. ठीक है, आपने अगर जोन देखा होगा, मेरे को याद नहीं है कौन सा, यहाँ से कहीं शेयर किया था, एक इसमें है क्या, तो USD JPY की मैं ट्रेड शेयर करी थी. ये देखो, यही है, देखो ये ट्रेड है, मैंने यहाँ पर शेयर करी थी. इसमें मेरे को 8 जून को एंट्री मिली. ठीक है, उसके बाद मेरा फर्स्ट टारगेट ये सप्लाई था, और ठीक ठीक सप्लाई था, तो वो टारगेट था, ये मेरा फाइनल था. बट मैंने थोड़ी क्वांटिटीज यहाँ बेची हैं. ठीक है, इस एरिया पे अभी भी मेरा हाफ क्वांटिटी होल्ड है. देखो, अब वो डिपेंड कर रहा है जब तक मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आता है. अब इसमें देखो, परफेक्ट स्टॉप लॉस की बात करें, अगर हम यहाँ पर परफेक्ट स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको यही कैंडल दिखेगी, ये कैंडल. बट अभी भी ये एक परफेक्ट स्टॉप लॉस नहीं बने, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई जो था वो ब्रेक नहीं किया है. अगर ये हाई आप कहो या ये हाई कोई ब्रेक हो जाता तो ये परफेक्ट हमारी एंट्री बनती. बट अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी मैंने होल्ड करी है जस्ट. ठीक है, बट उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा, तो मैंने होल्ड किया है. तो वही मैं बता रहा था कि डिपेंड करता है जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आता है. जैसे ही टारगेट स्टॉप लॉस आएगा, फॉरेक्स की ट्रेड मेरी ओवर हो जाएगी. कोई इंट्राडे में है, इंट्राडे में 5 मिनट देखता हूँ, 15 भी नहीं देखता हूँ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा. ठीक है, निफ्टी बैंक 15 भी नहीं देखता हूँ, 5 मिनट 3 मिनट ऐसे टाइम फ्रेम्स देखता हूँ. हाँ बोलो ब्रो. हाँ देखो, IT ऑप्शन सेलिंग अगर करोगे तो ITM और एट द मनी को लीव करना पड़ेगा एक तरीके से. ठीक है, क्योंकि उसमें लीकेज ज्यादा नहीं होता है और उसका जो ग्रोथ होती है आप तरीके एक तरीके से जो बढ़ता है प्राइस, अगर आपका फेवर में ट्रेड नहीं है. ठीक है, तो वो जो इस तरीके से बढ़ेगा वो अच्छा खासा बढ़ेगा, मतलब उसका डेल्टा होता है नियरली 0.5, तो 2 पॉइंट्स के मूव निफ्टी में वो 1 पॉइंट बढ़ेगा. ठीक है, तो एट द मनी और इन द मनी छोड़ दो, मैं बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी भी नहीं, आउट ऑफ द मनी भी नहीं जाता हूँ. मैं जाता हूँ, जैसे निफ्टी अगर 14,000 पर चल रहा है, एग्जांपल ले लो 14,000 पर चल रहा है, मेरी ट्रेड है पुट साइड की, मतलब मैं बेयरिश हूँ 14,000 से. ओके, तो मैं 14,100 कॉल को सॉल्व करूंगा. ठीक है, थोड़ा सा
ज़्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं जाना है, क्योंकि उसमें क्या होता है थोड़ी देर पर प्रीमियम डिक्रीज नहीं होता है। आप अभी बहुत लोगों पर ये डाउट है कि लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को ऑप्शन सेलर बनना है, ऑप्शन सेलर बनना है बहुत ईजी है, क्योंकि बायर्स को लगता है सेलिंग ईजी है, सेलर्स को लगता है कि सेलर्स तो खैर सेलर बाद में ही बने होंगे, ऑफकोर्स कोई शुरू से सेलिंग तो नहीं करता है, ठीक है। बायर्स को लगता है सेलर्स सेलिंग ईजी है, और सेलर्स को ये लगता है फ्यूचर्स ईजी है। फ्यूचर्स भी आपको बहुत टाइम ऐसा आएगा कि फ्यूचर्स आपको ईजी लगेगा तो आप सेलिंग में आओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खाली बातें हैं, ठीक है। सेलिंग भी बहुत ज़्यादा टफ है, बताऊँ क्यों है टफ, मैं बताता हूँ एक तरीका है सेलिंग का। अगर कभी कभी क्या होता है मार्केट में, आपने अपने ऑप्शन सेल कर दिया, ठीक है, ये बेसिकली होगा आपके साथ वेनेसडे और थर्सडे को आपने कोई ऑप्शन सेल कर दिया है, आपने कराए निफ्टी में। क्या होता है जब वेनेसडे होता है या थर्सडे होता है तो ऑप्शन की जो प्राइस होती है, जो प्रीमियम होता है उसका, वो 30-40 रुपीस आपको मिलता है। अगर आप नॉर्मली भी ट्रेड करो तो 30 के आसपास मिलता है। जैसे जैसे 12 बज जाते हैं, 12 के बाद 12:30 बज जाते हैं, तो ठीक है आपकी ट्रेड ऑब्वियसली बात है कि आपको 9:30 बजे तो ट्रेड नहीं मिल जाएगी जो आपने एंट्री ले लोगे। बहुत दिन ऐसा होगा आपको 11 बजे ट्रेड मिलेगी, ठीक है। तो उस अगर आपको ट्रेड मिलती है 12 बजे तक आप होल्ड करते हो, उसके बाद क्या होता है हल्का सा मूव भी अगर आता है आपके फेवर में, नहीं आपके अपोजिट में, आप सेल साइड की मान लीजिए, आप सेल साइड की ट्रेड ले रखी है, हल्का सा भी आपका मूवमेंट आपके अपोजिट में आता है तो आपका स्ट्राइक प्राइस इस तरीके से भागेगा ना जो आपको हैंडल ही नहीं कर पाओगे वो लॉस। और ये लॉस बस सेलिंग में ही हो सकता है, बाइंग में नहीं होगा। बैंक में तो अगर ऊपर को जा रहा है तो वो आपका प्रॉफिट ही है, लेकिन क्या होता है क्योंकि डेल्टा इस वक्त उतना काम नहीं करता, एक पॉइंट ऊपर के मूव में बहुत सारा आपने देखा ना, क्या जब आप कहते हैं हीरो जीरो और प्रीमियम डबल हो गया, ठीक है आप सुनते हो 50 का प्रीमियम था निफ्टी में, एंड ऑफ द डे 150 पहुंच गया, वही सेलर्स लोगों की लग जाती है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि वहां क्या होता है 12:30 के बाद ऐसा टाइम आता है कि मार्केट में बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ने चालू हो जाता है, हल्का सा जिस साइड को मूव आएगा बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर वहां अपोजिट साइड में ट्रेड आ जाती है, चले जाती है, तो बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ता भी है, उस केस में बहुत लॉस भी होते हैं सेलिंग में। ऐसा नहीं है, सेलिंग भी टफ है ये नहीं कह सकते, बट ये क्या है सेलिंग में एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाइंग, बस यही है। लेकिन प्रॉफिट सेलिंग में कम बनता है एज कम्पेयर टू बाइंग। प्रॉफिट अगर सेलिंग में अच्छा पैसा बनाना है, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है और सेलिंग ही करनी है, तो आपको कैपिटल मिनिमम मैं बताऊं तो 6-7 लाख चाहिए ही चाहिए एक मंथली इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है इतना चाहिए आपको। बाइंग में 3-4 लाख भी आपके पास अच्छा है तो आप अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट के साथ कमा सकते हो, बट सेलिंग में ऐसा नहीं है, सेलिंग में ऑप्शन बाइंग के डबल ट्रिपल कैपिटल चाहिए आपको, ठीक है। हाँ वो प्रीमियम बहुत स्लो राइज होगा थर्सडे को 11:12 तक, बहुत स्लो राइज होगा और धीरे 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 वो गिरता ही रहेगा, आप लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। ये होता है बहुत स्लो इंक्रीज होगा, बहुत स्लो डिक्रीज भी होगा, बट टाइम डीके की वजह से वो डिक्रीज ज्यादा होगा बढ़ेगा कम, और वो टाइम डीके का जो है वही आप पैसा कमाओगे भी, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लो, आपने कोई ट्रेड लिए, ठीक है आपने कोई ट्रेड लिए, वो आपने 20 पॉइंट्स पर सेल किया है, ठीक है 20 पॉइंट्स पर सेल किया है, तो इसमें आपको पता है मार्केट पूरा दिन भर कितना भी दौड़े कहीं भी जाए, आपको बस ये है कि मेरे को प्रॉफिट तो 19 रुपये का ही होने वाला है, क्योंकि आप 1 पे सेल कर दोगे 0.05 तक वेट नहीं करोगे, ठीक है तो 19 पॉइंट्स का ही होने वाला है, ये आपका फिक्स है। बट कभी कभी क्या होता है 20 से आपका स्टॉप लॉस जाने तक वो 30 भी चले जाता है, तो इस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है 1:2। देखो समझो ऐसा, जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे ऑप्शन सेलिंग का तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपको आपको थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बट ये जो डीके होता है ना, सॉरी थर्सडे के टाइम में, यही हीरो जीरो ट्रेड्स आप सुनने होंगे कि ऑप्शन प्रीमियम डबल हो गया भाई, ठीक है ये तभी होता है इसी टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे थीटा डीके उतना काम नहीं आता या डेल्टा उतना काम नहीं आता, जहाँ को मूव आया मार्केट का जो प्रीमियम है वहीं को भाग जाता है, तो इस केस में ये थोड़ा यहाँ सेलिंग रिस्की रहता है। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा कैपिटल है तो मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ सेलिंग की, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी सेल नहीं करना है, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी, जैसे आप एग्जांपल ले लो बैंक निफ्टी 30,000 पे ट्रेड कर रहा है तो 30,000 को सेल कर लो, ज़्यादा दूर का सेल नहीं करना आपको, ठीक है थोड़ा सा दूर का सेल कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा इसमें, इसमें बहुत बेनिफिट रहता है। क्या होता है कि आपको कम से कम आपको 250-300 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप 2 पॉइंट ऊपर का सेल करोगे तो उसका प्रीमियम मेरे ख्याल से 250-300 पॉइंट्स होता है बैंक निफ्टी में, इतना प्रीमियम होता है। आप 100-200 पॉइंट्स इजीली बुक कर सकते हो, इस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब नहीं होगा और प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा।
ठीक है, अगर 40 की प्रीमियम वाला सेल करोगे आप सोचोगे भाई इतना दूर का प्रीमियम ये तो जीरो होगा ही होगा, ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है, बहुत गलत। आपको ये लगता है ना कभी कभी बहुतों के साथ होता होगा कि भाई बहुत आउट ऑफ द मनी सेल कर देते हैं, आखिरी में इसको एक्सपायरी के दिन होना तो जीरो ही है, बट इस केस में प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। आप एक बार प्रैक्टिकल ट्रायल करके देखना ये चीज़, इस केस में प्रॉफिट नहीं बन पाता है। कभी भी ऑप्शन सेलर अगर किसी का देखते होगे, स्क्रीनशॉट भी देखते होगे, उसने ज़्यादा आउट ऑफ द मनी सेल नहीं किया होता है, ऐसा सेल किया होता है जिसका प्रीमियम कम से कम 200-200 पॉइंट्स का तो हो, इतना तो मिल रहा हो, ऐसा होता है। और एक और चीज़, SMC ट्रेडर्स हो, सबसे ईजी बता रहा हूँ पैसा किस में बन सकता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, नहीं सॉरी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो, बहुत ईजी पैसा बनेगा, बट एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और साइकोलॉजी तो ऑब्वियस सही है, वरना फ्यूचर्स करोगे तो मार्केट में फ्यूचर्स बर्बाद हो जाएगा, आगे नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो जाते हैं उसमें फ्यूचर्स में। ठीक है, एक पॉइंट निफ्टी के मूव करने में आपको 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 10 पॉइंट निफ्टी का अगर आप स्टॉप लॉस दे रहे हो तो 500 पॉइंट तो आपके कन्फर्म गए ही गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ चल रहे हो, 1:4 मिनिमम हर ट्रेड में बुक कर रहे हो, ठीक है, 10 पॉइंट का रिस्क दे रहे हो और 40-50 पॉइंट बुक कर रहे हो, तो इजिली आप 500 रुपये का रिस्क रख के 2,500-3,000 रुपये कमाओगे सिर्फ एक फ्यूचर लॉट के अंदर, बहुत इजी है। फिक्स रिस्क, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि फिक्स रिस्क है, आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो 500 रुपये जाएंगे ही जाएंगे, इससे ना कम जाने वाले हैं ना ज़्यादा जाने वाले, ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी रहती है। लेकिन सेलिंग या बाइंग में ऐसा होता है कि आपको रिस्क का पता नहीं होता है, आपको बस एक एस्टिमेट पता होता है कि हाँ 250 से 300 तक जाएंगे रुपये अगर स्टॉप लॉस गया, लेकिन इसमें फिक्स रहता है अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेसी 1:5% 50% भी है चल जाएगा, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के संग चल रहे हो तो फ्यूचर्स पे पैसा कमाना बहुत इजी है, और हेज के संग फ्यूचर्स हो जाता है 30-40,000 में हो जाएगा आपका फ्यूचर्स का एक लॉट। बट अभी बता रहा हूँ, जब आप कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड के साथ, आप स्टॉप लॉस में बुक कर सकते हो तभी फ्यूचर्स करो, और 500,000 का रिस्क पर ट्रेड में बुक कर सकते हो तभी फ्यूचर्स करो, वरना फ्यूचर्स में मत आओ। हाँ फ्यूचर मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, इसको मैं भी आपको करना पड़ेगा हेज के साथ। ठीक है, फ्यूचर्स आपको मान लो आप निफ्टी में बुलिश हो, ठीक है, निफ्टी में बुलिश हो तो आप फ्यूचर्स को बाय करोगे, ऑप्शन को सेल करोगे, किसी ऑप्शन को सेल करोगे, या आप ये भी कर सकते हो, एक और तरीका होता है फ्यूचर्स का लॉट को बाय करते हो और पुट को बाय कर लो, फ्यूचर्स बाय कराया आपने और पुट भी बाय किया है, इसके साथ भी ये हेज हो जाएगा। आप ट्राई करना जीरोधा, अगर सभी चलाते होंगे तो बास्केट का ऑप्शन आता है, बास्केट क्रिएट करके देखो, इसमें 30-40,000 में हो जाएगा। मैं खैर हेज के साथ फ्यूचर्स नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मली नेकेड फ्यूचर्स करता हूँ, सेलिंग में हेज के संग करता हूँ, फ्यूचर्स में नेकेड करता हूँ, तो फ्यूचर्स मैंने एक दो बार किया है तो मुझे पता है हेज के संग 30-40,000 में हो जाता है फ्यूचर्स। ठीक है, बट मार्जिन कॉल आ सकती है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ देखो क्या होता है, मैं इंडियन मार्केट्स में तो रोज देखते हो, आप मैं डालता ही हूँ कोई भी एंट्री ट्रिगर होती है तो। ठीक है, फॉरेक्स में क्या दिक्कत आती है, फॉरेक्स में मैं जो मेरी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं मैं पहले ही उनको लगा के बैठ जाता हूँ, जिसमें मैं ट्रैड शेयर किया, अगर डायरेक्ट एंट्री मेरे को वहाँ करनी है तो मैं पिप्स कैलकुलेटर करके वेबसाइट है, मैं अगर $100 रिस्क पर ट्रेड दे रहा हूँ तो कितने लॉट साइज मेरे को कैलकुलेट करके रखना है, उतने लॉट साइज का मैंने एंट्री करके पहले ही डाल दी, तो वो सीधे ट्रिगर हो जाती है, मेरे को भी फोन पर सीधे डायरेक्ट मैसेज ही आता है कि हाँ एंट्री ट्रिगर हो गई है, एंट्री स्टॉप लॉस में डाल देता हूँ। कंफर्मेशन एंट्रीज वाले जो होते हैं उनमें मैं अलर्ट लगाता हूँ, अलर्ट वहाँ पर पहुँचने वाला होता है प्राइस, तो मैं उसमें नज़र रखना शुरू करता हूँ, ये चीज़ होती है। जो डायरेक्ट एंट्री होती है वो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि 24 घंटे में लैपटॉप के आगे नहीं रहूँगा, ये आप भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ट्रिगर आ जाता है, मैसेज आ जाता है, उसी समय देख लिया तो मैं कभी कभी डालता हूँ एंट्री ट्रिगर, नहीं देखा 10 मिनट बाद देखा तो वो मिस हो जाता है आप लोगों से। तो एक आप भी काम कर सकते हो कि अलर्ट लगा लो तो वो सही काम करेगा। क्या जी? हाँ लिमिट ऑर्डर, ऑफकोर्स लिमिट, मार्केट ऑर्डर नहीं करता हूँ लिमिट, क्योंकि मेरा वो वाला अकाउंट नहीं है, स्प्रेड वाला नहीं है, मेरा रॉ स्प्रेड है, मेरे को स्प्रेड नहीं है मेरे अकाउंट में, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती है। हाँ मैं एक्सनेस यूज करता हूँ। आपका भी एक्सनेस ही है? एक्सनेस तो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट होगा मेरे ख्याल से फिर। हाँ तो उसमें अगर आपके पास थोड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, $500, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, $500 तक आपके पास इन्वेस्टमेंट एक बार के लिए कर सकते हो, तो रॉस प्रेडिंग अकाउंट खुलाओ
और अगले ही दिन विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार आपको $500 डालने पड़ेंगे, ठीक है। अगले ही दिन विड्रॉ भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अकाउंट आपका उतने ही रहेगा, रॉ स्प्रेड ही रहेगा। उसके बाद $50 रखो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक बार $500 डाल इन्वेस्टमेंट उसमें करना ही है अगर आपको रॉ स्प्रेड में अकाउंट खोलना है, ठीक है। बेनिफिट एक बहुत अच्छा है उसमें कि वो नहीं जाता, और एक डिसएडवांटेज भी है उसकी अगर बात करो। अगर स्टैंडर्ड अकाउंट में भाई आपका आप यूज करते हो, आपको पता होगा कि आपका कमीशन अलग जाता है, ठीक है। आपका जो वो होता है ना ब्रोकरेज $3.5 पर लॉट, ये नहीं करता है स्टैंडर्ड अकाउंट में, इसमें कुछ अलग तरीके से कमीशन करता है। मेरे को अब याद नहीं है, मैं पहले करता था, मेरे को मैं रॉय यूज कर रहा हूँ तो मुझे इतना याद नहीं है, बट इसमें कमीशन अलग तरीके से करता था जितना मुझे याद है। आप इसमें कभी भी देखना ट्रेड्स, आपका जो ट्रेड रिजल्ट्स है वहाँ पर कमीशन लिखा आता है क्या? कमीशन जीरो ही आता होगा हमेशा। नहीं एक मिनट को चेक करने दो, मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा हाँ तभी दिखाता, हमारे उसमें ऐसा नहीं होता। हमारे उसमें क्या होता है, अगर आप रॉस पैड खोलोगे ना तो उसमें प्रॉफिट का अलग सेक्शन होता है, कमीशन का अलग सेक्शन होता है। आपने एक स्टैंडर्ड लॉट में मान लो 1 फुल लॉट में ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपका कमीशन $3.5 ऑटोमेटिकली कट जाएगा, कट जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस फिर लास्ट में माइनस हो जाता है उससे। लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड अकाउंट में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, कुछ अलग सिस्टम है ये। हाँ उसमें अलग है, उधर ही ट्रिगर होता है ऑफकोर्स, लेकिन थोड़ा चार्ट उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं एग्नेस के चार्ट में भी क्या होता है, कभी कभी डिफरेंस आता है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। और फिर उधर भी ओवांडा ही होता है, ओवांडा ही होता है, बट थोड़ा फिर भी डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ एग्नेस के चार्ट को भी एक बार देख लिया, उसके बाद देख लेंगे, उसके बाद मतलब एग्नेस के चार्ट को भी देख लिया उसके हिसाब से एंट्री लगा ली, क्योंकि जोन सेम बनते हैं। ठीक है ठीक। और एनालिसिस स्टार्ट करें आप, कौन फॉरेक्स में? वो मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको, पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से एंट्री ली जाएगी इसमें, ठीक है। फॉरेक्स में देखो एंट्री लेना जैसे आप इंडियन मार्केट्स में लेते हो या नॉर्मली जैसे भी एंट्री लेते हो वैसे ही फॉरेक्स में भी एंट्री ली जाती है। इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फॉरेक्स में एंट्री कैसे लेते हैं ये दिखाओ, ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली एंट्री ली जाती है फॉरेक्स में वैसे ही है, जहां पर आपको कोई डिमांड दिख रहा है वहीं पर आप फॉरेक्स के ब्रोकर में जाओ, फॉरेक्स में ब्रोकर में भी चार्ट वहीं होते हैं, उसमें डिमांड देखो, वो डिमांड पे एंट्री प्लेस कर दो, और कुछ थोड़ी है इसमें, नॉर्मल है। इंडियन मार्केट से एक तरीके से बताऊं तो इजी है एंट्री करना फॉरेक्स, इंडियन मार्केट से फिर भी टिपिकल है एंट्री करना। ब्रो एग्नेस क्या है, एग्नेस यहाँ लॉगिन नहीं होगा मेरा लैपटॉप में, तो मैं आपको फोन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा, वो वर्क करेगा? हाँ मैं जब भी एंट्री प्लेस करूंगा नेक्स्ट एंट्री, अभी तो मेरी खैर अभी एक एंट्री यूएसडी जेपीआई की अभी भी चल रही है, तो जब भी नेक्स्ट एंट्री कल को प्लेस करूंगा मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूंगा एंट्री प्लेस कैसे करनी है, ठीक है। वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, ओके। आई विल सेव ग्रुप में, याद दिला देना, ठीक है। कोई भी मैं फॉरेक्स चार्ट शेयर करूंगा तो आप याद दिला देना कि आप मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दो, किसी भी टाइम उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इवनिंग 6 के बाद, क्योंकि फॉरेक्स की एंट्री में लगभग उसी टाइम लेता हूँ। ओके ओके ब्रो, मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके, डेमो में प्रैक्टिस करने के लिए सही है, बट इसमें भी आपको एक चीज आती है कि आप डेमो में होल्ड बहुत कर सकते हो, असली मनी लगाओगे ना होल्ड नहीं होगा आपसे। अगर अभी आपने देखो डेमो अकाउंट में क्या है, आपका रियल मनी नहीं होता है तो वहां इमोशंस नहीं आते हैं, ठीक है। आपने कोई ट्रेड लिए, हाँ ये चीज सीखने के लिए बेस्ट है, ये चीज आप सीख सकते हो आराम से। तो कौन सी स्क्रिप्ट का एनालिसिस करें? ओके, तो यूरो यूएसडी का एनालिसिस शुरू करते हैं सबसे पहले।
सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये तो प्रीवियस वीक भी मैंने एक्सप्लेन किया था भाई। हाँ देखो, नहीं मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं भी अगर एंट्री का बात करूँ तो मैं इसमें 15 मिनट में एंट्री लूंगा, ठीक है, 15 मिनट या 30 मिनट पे। तो डेली का ऐसा कुछ रूल नहीं होता कि डेली देखना ही है, बट डेली से क्या पता चलता है, डेली में जो जोन है, जैसे मान लीजिए ये मैंने डेली में जोन मार्क किया था ये वाला, ठीक है, ये मैंने डेली में ग्रीन कैंडल मार्क किया था, मैंने इसमें ग्रीन कैंडल मार्क करी है, मैंने जोन मार्क किया यहाँ पर, यह टैप हुआ डेली के जोन में, टैप हो गया, तो इसका मतलब थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, डेली में एक तरीके से ट्रेंड देखने काम आता है, ठीक है, डेली में ऐसा कुछ। हाँ, जोन रिफाइनमेंट डेली से ही शुरू करोगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये डेली का जोन है हमारा, यहाँ ट्रिगर हुआ, सीधे चलते हैं 4 आवर में डेली के बाद, ठीक है, 4 आवर में गए। अब आपको बहुत इजी लगेगा इसमें एनालिसिस, देखो अगर आप 4 आवर को देखोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं, ये देखो प्रॉपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से आएगा, जब प्रीवियस वैली जो लोअर हाई है प्रीवियस वाला वो एक ट्रिगर होगा, ठीक है, ये वाला प्रीवियस सॉरी ब्रेक होगा, ये हमारा प्रीवियस लोअर हाई है, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ ये एरिया पे, तो इस केस में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 4 आवरली ट्रेंड का आफ्टर टैपिंग इनटू डेली का डिमांड जोन। डेली के डिमांड जोन में टैप करने के बाद 4 आवरली का जो डिमांड है उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है। अब ऐसी चीज आपको कभी नहीं करनी है, ध्यान देना, डेली का अगर कोई ट्रेड देख रहे हो तो 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट मत करो, ठीक है, डेली के डिमांड से 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट मत करो, कम से कम आवरली का वेट करो। इस केस में 4 आवरली का इजी मिला है, 4 आवर की मैंने दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है। अब इस केस में लास्ट कैंडल मार्क करनी पड़ेगी आपको जो एक्सट्रीम है 4 आवर पे, ठीक है, जहाँ से हमको देखने को मिल सकता है एंट्री मिलेगी। जो कैंडल मैंने मार्क किया था, खैर मैंने दूसरे छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन कर दिए, बट अगर इस टाइम कैंडल को आप देखोगे तो आपको ये परफेक्ट एक एंट्री पॉइंट दिखेगा, ठीक है, सबको इतना समझ में आ रहा होगा, ये परफेक्ट इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस एक मार्केट ने एक तरीके से यहाँ पर कुछ न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट टाइप दिखा था, एंट्री ट्रिगर करी, एक रेंज फॉर्मेशन हुई 4 आवर पे, एक बड़ी लॉन्ग विक कैंडल हमको देखने को मिली, एक तरीके से अच्छी कैंडल है जोन बनाने के लिए, वो देखने को मिली, उसके बाद प्रॉपर हमको एक इम्बैलेंस देखने को मिला, इम्बैलेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के साथ, देखो लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप, ये देखो एक तरीके से ये लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी ग्रैब तब स्ट्रॉन्ग होता है जब ग्रैब कैंडल के बाद की कैंडल्स में इम्बैलेंस अच्छा हो, क्योंकि ग्रैब में क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं या स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस केस में जब एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप होते हैं किसी भी ट्रेड पे या किसी भी कैंडल पे, तो उसके बाद वाले कैंडल पे स्ट्रॉन्ग अपमूव आना जरूरी है, वहाँ यही यहाँ वही चीज़ हुई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ग्रैब होने के बाद स्ट्रॉन्ग अपमूव आया इम्बेलेंस के साथ, तो इस केस में साफ सी बात है ये कैंडल ही डिनोट कर रही है कि एक स्ट्रॉन्ग जोन बनने लायक है, चेंज ऑफ करेक्टर हमारा इस पॉइंट पे हो चुका है, ठीक है, कैंडल मैंने मार्क कर लिए, यहीं से हमारी एंट्री ट्रिगर हुई परफेक्ट। पहले तो 4 आवरली में बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, तभी मैंने रिफाइन भी किया था इसको, इजी 4 आवर का भी ट्रेड देखो तो प्रीवियस, हमेशा आपको कभी भी ट्रेड लेते हो तो प्रीवियस जो हाई है वो हमेशा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुक करना है, बट हमेशा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट टारगेट मतलब फर्स्ट हाई के बाद हल्का सा रिवर्सल आता है जहाँ से आप फिर ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ 103 के 93 पिप्स की ट्रेड हमारी हिट हुई, तो उसके बाद कुछ हमको देखना पड़ेगा यहाँ से ट्रेलिंग एसएल का जोन, ट्रेलिंग एसएल का जोन अगर हम देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूँ मैं पूरा, तो एक तरीके से ये कैंडल अच्छी है बट ये मिटिगेटेड है, ये वाली अगर आप कैंडल देखो, ये कैंडल अच्छी है बट मिटिगेटेड है, ओके, तो फिर इस केस में हमको नेक्स्ट कैंडल्स देखनी पड़ेंगी। तो टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेते हैं, 4 आवरली में उतना कंफ्यूजिंग ही लग रहा है मुझे, बट अभी के लिए ये वीक है। अब देखो 4 आवरली में मुझे ये एरिया पे जो कैंडल है ये कंफ्यूजिंग लग रही है, तो मैं इसकी वेट नहीं करूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर अनमिटिगेटेड है या नहीं है, इसका वेट नहीं करूंगा। 4 आवरली से एनालिसिस शुरू हुआ है मेरा, तो यहीं मैं देखूंगा, ये वाला एरिया मुझे मिटिगेटेड सा लग रहा है थोड़ा, तो अभी के लिए मैं 4 आवरली में भी ये कैंडल जो मेरे को अनलिमिटेड लग रही है विक, इसको मार्क कर लेता हूँ,
ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी इसी में देखता हूँ, 2 आवर में चलते हैं। देखो अब ये अनमिटिगेटेड है, खैर मिटिगेटेड है, बट अब ये अनमिटिगेटेड होती भी तो भी मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता। मैं इस वाले जो वीक मैंने मार्क किया है, वीक वाला डिमांड मार्क किया है, इसी में ट्रेड करने की ट्राई करूंगा। परफेक्ट एक जोन मुझे अभी ये लग रहा है, ठीक है, 1 आवरली में चलते हैं ऐसे करके। हाँ परफेक्ट, अब मैं इसको पूरी कैंडल मार्क कर लूँगा ऐसे करके। परफेक्ट जोन मुझे एक मिल रहा है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, ठीक है, 30 मिनट पे चलते हैं। परफेक्ट, प्रॉपर जोन है। अब इसमें देख लेते हैं स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का मिल रहा है। हाँ ठीक है, 15 पिप्स का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, थोड़ा देखो स्टॉप लॉस अगर आपको इतना मिल रहा है, ओवर रिफाइन इसको मत करो, 15 मिनट में मत जाओ, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लॉट साइज छोटा कर लो, बात एक ही पड़ जाएगी, लॉट साइज थोड़ा छोटा कर लो, या बिल्कुल ही थोड़ा और रिफाइन करना है तो 15 कैंडल को मार्क कर लो, 15 मिनट की कैंडल को, बट इतना कर लो, थोड़ा लॉट साइज छोटा कर लो, बात बराबर पड़ती है। आप अगर लॉट साइज छोटा करोगे बात बराबर पड़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड मैटर नहीं करेगा उस केस में, क्योंकि देखो 15 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है तो ऑफकोर्स ये बात है 1:4 आपने लिया होगा तो टारगेट भी आपका 60 पिप्स का होगा, ठीक है, 60 पिप्स का आपका टारगेट भी होगा, तो लॉट साइज छोटा कर लो, आपको रिस्क रिवॉर्ड वही मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरा जो रिस्क था वो 11 पिप्स के आसपास का बन गया है, तो अभी के लिए यूरो एसडी में यही मेरे को एंट्री लग रही है। ओके, और ये वाला मैंने रिफाइन किया था, इसको देखते हैं मैंने कहाँ रिफाइन किया था, ठीक है, 30 मिनट पे। हाँ यहाँ मैंने इसको रिफाइन किया था, ये वाली लास्ट कैंडल पे, ठीक है, ये लास्ट कैंडल पे रिफाइन किया था। इस केस में आपने देखा होगा कि मैंने इस वाली कैंडल का एक्सट्रीम जो है इसका वेट यहाँ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जहाँ से मेरा एनालिसिस शुरू हुआ था वहां पर देखो तो लास्ट एरिया मेरे को वही कैंडल मिली थी। एक मिनट देखो, यहां पर जो मैं आपको नीचे जोन दिखा था एक्सट्रीम पे, वहां पर अगर 4 आवरली में देखोगे तो कुछ है नहीं एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके मार्केट नीचे है, मार्केट ऊपर क्या, जो भी कुछ मार्केट में है या जोन पे है वो इसी कैंडल वाले जोन पे है। तो यही मैंने मार्क किया, नीचे के जो भी थे मेरा 4 आवर के एनालिसिस में नहीं बैठा वो, तो मैंने मार्क भी नहीं किया। ये जोन मेरे को परफेक्ट लगा था, यही मैंने मार्क किया, यहीं से मेरे को एंट्री भी मिली। अभी के लिए ये जोन मुझे थोड़ा ट्रेडेबल लग रहा है। ओके यूरो एसडी में कोई डाउट? अभी यूरो एसडी में कुछ वैसा है नहीं, क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, पूरा हर वीक बता रहा हूँ। हेलो भाई, हाँ बताओ। मैंने अभी एक ग्रुप पे चैट किया है, आप चेक करोगे? हाँ एक मिनट एक मिनट। हाँ बताओ, इसमें डाउट बताओ। देखो इस केस में डिपेंड करता है कि मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है इस एरिया पे, जो रिवर्सल आया ना एक्सट्रीम पॉइंट से आपका, ये कैसे आया है। अगर ये नॉर्मली किसी भी बिना डिमांड को टैप करे, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड को टैप करे आ गया है, तो ये एंट्री बहुत बढ़िया बनेगी आपकी डायरेक्ट एंट्री के लिए, क्योंकि ओवरऑल ये बस एक पुल बैक है। आपको 15 मिनट में ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, बट ये आवर्ली का या 2 आवर्ली का पुल बैक होगा अगर मार्केट डिमांड से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मार्केट स्ट्रांग डिमांड से रिएक्ट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है, तो आपकी एंट्री यहीं कहीं हो जानी चाहिए थी, यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं हो जानी चाहिए थी आपकी एंट्री। लेकिन अगर मार्केट जब वापस पीछे को जा रहा है, मार्केट जब पुल बैक दे रहा है, चेंज ऑफ फैक्टर आपको लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रांग सप्लाई मिल रहा है, आप कह रहे हो कि डायरेक्ट एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तभी करनी चाहिए जब मार्केट डिमांड से रिएक्ट करके ऊपर नहीं आ रहा है। अगर डिमांड से रिएक्ट करके ऊपर आ रहा है तो मत करो, डिमांड से रिएक्ट करके नहीं आ रहा है तो ऊपर एंट्री करो, चेंज ऑफ फैक्टर को ध्यान मत दो। अगर कभी मार्केट सप्लाई या डिमांड में टैप करके चेंज ऑफ फैक्टर नहीं करता है, तो नॉर्मली कभी भी हवा में ही कर देता है एक तरीके से, तो वो एक फेक चौच होता है, बस वो किसी बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक होता है। आपको वो चेंज ऑफ कैरेक्टर लगता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बट वो आवरली 2 आवरली का पुल बैक होगा, ठीक है। यूरो एसडी का अभी एनालिसिस करा मैंने, आप लेट थे, अब
वीडियो ही देखना सीधे, अभी दूसरे पेयर्स देखते हैं। मैं तो पहले ही बताया था ना, तो भाई चलो यूएसडी का देख लेना, अभी दूसरे पेयर्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा यूएसडी जेपीवाई बोल रहे थे, तो इसका तो अभी किया नहीं है मैंने, बस यूरो एसडी किया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, डाउट बड़ा भी है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस यूरो एसडी का मेरा दोबारा मन नहीं था क्योंकि मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं दोबारा से क्या एक्सप्लेन करता, ठीक है। तो यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं पहले। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यूएसडी जेपीवाई और यूरो एसडी जीपीपीयूएसडी दोनों एक तरीके से पैरेलल नहीं चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई जब बढ़ता है तो बहुत चांसेस हैं यूरो एसडी गिरेगा, ठीक है, तो हल्का सा उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। अगर यूरो एसडी बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई में मत ट्राई करना बुलिश साइड की ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि वो फिर नहीं बढ़ेगा ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है। अभी यूरो इसको देखते हैं, ठीक है। पहले देखो डेली में मुझे अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कहाँ से रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बस सिंपली क्या करूँगा, वीकली में शिफ्ट हो जाऊँगा, एक टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लूँगा। देखो अब मुझे क्लियर समझ में आ रहा है इसमें क्या चीज़ हुआ है। उसमें एक तरीके से मार्केट बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था और अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, बट यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ये एरिया देखो, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम में, रिएक्ट तो शायद 100% कहीं से नहीं कर रहा होगा ये, ठीक है, नहीं कर रहा है एक तरीके से, चार्ट पीछे नहीं जा रहा है मेरा, लेकिन अभी के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमको यूएसडी जेपीवाई में देखने को मिला है। अभी के लिए अच्छा खासा यहाँ पर एक जोन तो है, ये विक जोन तो है जहाँ से थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है यूएसडी जेपीवाई, ओके, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी चलते हैं डेली पे, क्योंकि वीकली में ज़्यादा देखने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ ये जोन था जो था वो मैंने मार्क किया है अभी के लिए, और डेली टाइम फ्रेम में देखो मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन कहाँ से आया, ये जो रिएक्शन था पुल बैक था वो कहाँ से आया, हाँ एक डिस्काउंटेड एरिया वाले डिमांड से आया है, ठीक है, तो परफेक्ट, रिवर्सल भी बहुत अच्छा है। तो इसमें अब थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई यूएसडी जेपीवाई में, क्योंकि ये भी हमको देखो हमको दो चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है, दो चीज़ देखने को मिल रही है। क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक मिल रहा है कि डेली से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, डेली से प्राइस रिएक्ट करने का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर चुका है, तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि यूएसडी जेपीवाई बुलिश होना चाहिए क्योंकि वो डेली के डिमांड से रिएक्ट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है और अब हायर हाइस हायर लोस बनाएगा। बट एक और चीज़ है यहाँ, वो क्या है, वो कर रहा है कि वीकली में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है और वीकली के सप्लाई से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। परफेक्ट ट्रेड कब बनेगी, जब ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगा कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड से, ठीक है। अभी के लिए दो सिनेरियो हमारे पास बनेंगे, बट उसके लिए इस टाइम फ्रेम की कोई अब जरूरत नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ेगा कि 4 आवर्ली में क्या चल रहा है। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको मार्क करके रखता हूँ, 4 आवर्ली में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी वो भी हमको थोड़ा बहुत बताएगा कि क्या करना है आगे, ठीक है। किसी का माइक बंद कर, भवेश भाई माइक बंद करना अपना, जिसमें कुछ, हाँ ठीक है, कुछ डाउट होगा तो खोल लेना, ठीक है। अभी 4 आवर्ली को देखो, 4 आवर्ली को देखोगे अगर आप, तो हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कहीं पर स्ट्रांग हुआ है। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा, लेकिन ये एक माइनर चौथ है, ट्रेड लेने लायक चौथ है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ट्रेड नहीं ले सकते हो। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पुल बैक्स के या कोई छोटे टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें अगर आप पुल बैक्स मतलब हायर हाई हायर लोज देखोगे तो यहाँ से भी अगर शो करे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, पहला ये था पुल बैक देखो तो स्ट्रांग पुल बैक यहाँ पर है, तो ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो एक वैलिड स्ट्रांग मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर जो लूंगा वो इसी एरिया पर लूंगा, ठीक है। इसी एरिया पर एक स्ट्रांग चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे, जो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो ये एरिया पर है, बट छोटा पुल बैक इस एरिया पर भी था तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो
मैं अगर ऑनेस्टली खुद अगर ट्रेड करता तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेता, क्योंकि मैं इतना बड़ा वेट नहीं करता, मैं भी इतना पेशेंट नहीं हूँ कि दो एक एक दो दो हफ्ते एक ट्रेड के लिए वेट करूँ, तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं ले लेता यहाँ पे। ठीक है, अभी फोर आवरली में सप्लाई से तो रिएक्ट कर रहा है, बट ध्यान रखना डिमांड भी आपको मार्क करने पड़ेंगे, क्योंकि डेली से भी डिमांड से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके प्राइस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फोर आवरली का कुछ मार्क करता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ समझ गया। हाँ समझ लो आप, ये वाला है चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट आपका बहुत नीचे है। हाँ देखो, देगा कंफर्मेशन देगा। फोर आवरली में चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत नीचे है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर फोर आवरली के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट मत करो, आवरली पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ अगर आप फोर आवरली का मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर यही है। डायरेक्ट एंट्री बनेगी फिर उस केस में, डायरेक्ट एंट्री करो फिर तो कोई, हाँ डायरेक्ट एंट्री करो फिर उस केस में कुछ नहीं हो सकता। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है, प्राइस हमारे डिमांड की तरफ को सप्लाई की तरफ को बहुत सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए रिएक्ट करता है। ठीक है, तो उस केस में चेंज ऑफ फैक्टर हो नहीं पाता। हाँ इस केस में यह है कि टाइम फ्रेम छोटा करते जाओ, एग्रेसिव चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंट्री लो या फिर डायरेक्ट करो, दो ही चीज ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, ओके। कंफर्मेशन तो मिलेगी, एंट्री चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही होगा, लेकिन हमेशा 100% इसका भी एक्यूरेसी नहीं है कि कंफर्मेशन एंट्री हमको ट्रिगर दे होगी नहीं होगी। ठीक है, इसकी भी 100% एक्यूरेसी नहीं है, हमेशा नहीं होती, लेकिन बहुत बार नहीं, मैक्सिमम चांसेस होती है, लेकिन ऑब्जर्व खुद करना, मैक्सिमम चांसेस होती है। अगर मान लो कभी आपकी चेंज ऑफ कैरेक्टर होती नहीं है तो वो थोड़ी देर में फेल हो जाएगी आपकी एंट्री, थोड़ी देर ध्यान देखना आप कभी आप। ठीक है, अभी हम हाँ रुको, मैं कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे जा रहा हूँ, पेशेंस नहीं है आपको भी बिल्कुल, मैं पूरा नीचे ही जा रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम ही कर रहा मैं लगाऊँ। ठीक है, अभी यूएसडी जेपीवाई देखेंगे एक बार। अब देखो ये पुल बैक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर लायक है। ठीक है, ये आपको दिखा होगा, तो ये माइनर चौच हम सौ कह सकते हैं, टू आवरली का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो यहाँ से हमारी एक एंट्री बनती है। ठीक है, अब एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने तो खैर इस वाले आपको याद होगा यूएसडी जेपीवाई में मैंने ट्रेड दी थी, अभी भी जो मेरी अभी भी चल रही है। ठीक है, वो मैंने इसी वाले जोन से दी थी, ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड था, यहाँ पर प्राइस हायर टाइम फ्रेम को टैप करता है, और मेरा जितना ख्याल है मैंने इस वीक पर एंट्री दी थी, ये वाला, हाँ यही मेरी एंट्री थी, परफेक्ट यही मेरी एंट्री थी, अगर आपको याद है यूएसडी जेपीवाई का जोन। अभी भी चल रही है वो एंट्री, तो ये था क्या, हाँ ये यूएसडी तो स्क्रीनशॉट है खाली। एक मिनट, ये देखो ये यूएसडी जेपीवाई की एंट्री देखो, ये विक पे है ना 138892, ये हायर टाइम फ्रेम का यहाँ टैप किया है, इसको देखो यही वाला हायर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर टैप किया है, लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, लास्ट अनमिटिगेटेड विक मैंने मार्क की है इस केस में। ठीक है, एंट्री टैप होती है, चेंज ऑफ फैक्टर का वेट करता हूँ, इसमें भी एग्रेसिव ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी थोड़ा बहुत यूएसडी जेपीवाई में बुलिशनेस ही नज़र आ रही है, चाहे वो वीकली से रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे इसमें उतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ही मैं डायरेक्ट भी नहीं गया, वरना मैं डायरेक्ट भी चले जाता। चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पर हुआ एक तरीके से। ठीक है, और ऊपर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉपर सप्लाई नहीं है, विक्स है। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई नहीं है, ये लास्ट अनमिटिगेटेड विक दिखती है मेरे को चेंज ऑफ फैक्टर के बाद, इसके पहले आपको कुछ भी जोन नहीं दिखेगा, इसके नीचे कुछ जोन दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा आपको जोन। ठीक है, तो लास्ट वीक बनती है और यही हमारी एंट्री होती है, टारगेट तो खैर मेरा ये था बट यहाँ अभी होता नहीं है और फ्राइडे आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरी यूएसडी जेपीवाई अभी की ट्रेड थी। अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे मैं देखो
या तो इस केस में ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो हमको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अब बेयरिश जाना है, ठीक है, ये 100% कंफर्म हो जाएगा, तो फिर आप सप्लाईज देख सकते हो। फिर लेकिन इस केस में अगर ये एरिया जो ब्रेक हो गया तो ये परफेक्ट बन जाएगी बाई साइड के लिए ट्रेड। अभी यूएसडी जेपीएम में अगर आप देखोगे तो वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और तरीका है नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, या तो इसका वेट होने का वेट करना पड़ेगा या इसका ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तब तक आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट या आप आवली टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन एंट्रीज देख सकते हो, ठीक है। जैसे एक एंट्री हमारी यहाँ पर बनेगी, ये वाला हाई अगर ब्रेक हो जाता है, ये वाला हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो ये लास्ट जो विक है ये वाली, ये इस विक पे हमारी एक ट्रेड बन सकती है थोड़ी बहुत अच्छी खासी 50-80 पिप्स के लिए, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी आप ट्रेड्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पर एक सप्लाई बना था, ये सप्लाई अगर आपके पास कोई स्ट्रांग नहीं है, कोई आपको स्ट्रांग ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, तो छोटे छोटे सप्लाईज से कन्फर्मेशन ट्रेड्स ले सकते हो। एक ट्रेड हमारी यहाँ पर बन गई थी, शायद एक ट्रेड हमारी फिर से यहाँ पर भी बन देखने को मिल जाए, तो ऐसे ऐसे करके टाइम फ्रेम्स में ट्रेड कर सकते हो। बट अभी मेजर वाली ट्रेड जो है, जो बड़े टारगेट्स वाली हैं, वो तो कोई नहीं मिल रही है, ठीक है। भाई साहब आपका डाउट क्या था यूएसडी जेपीवाई में? सप्लाई, अब देखो वीकली टाइम फ्रेम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। डेली में चलते हैं, ठीक है, यही वाला जो डेली जोन है यही है जो मेरे सप्लाई मार्क करी है। सप्लाई आपको वीकली में देखने को मिल जाएगा, वीकली में देखने को मिल जाएगी, अनमिटिगेटेड बहुत अच्छी सप्लाई है। तो ही मैं देखो सप्लाई से मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई शॉर्टकट ट्राई कर रहा हूँ बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर के, ठीक है। तो मैं बस मार्क करिए कि यहाँ से हमको थोड़ा कॉशियस होना है, स्ट्रांग बिल्कुल अंधा बुलिश होने से पहले, ठीक है, वो उसीलिए मैंने मार्क करी है ये सप्लाई। हाँ हाँ बोलो, हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, बट एक चीज और है कि प्राइस ने कहीं से रिएक्ट नहीं किया है किसी सप्लाई से, थोड़ी कंफ्यूजन मेरे को। देखो आप अभी शुरू से देखो ना, प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, बट ये भी तो देखो कि वीकली डिमांड से भी तो रिएक्ट कर रहा है वो, ये तो देखो देखो। और एक तरीके से मुझे ये इक्वल लोज भी लगते हैं, आपको लगते नहीं लगते हैं, मुझे ये इक्वल लोज भी लगते हैं, तो मैं थोड़ा और ज्यादा इसमें कॉशियस हूँ। क्या पता ये इक्वल लोज लिक्विडिटी लेने के लिए आया हो नीचे, तो बहुत ज्यादा चांसेस मेरे को अभी भी बुलिश ही लग रही है यूएसडी जेपीवाई में, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी चेंज ऑफ कर भी दिया है, एक तरीके से फेक चार्ज हो सकता है ये, इंड्यूसमेंट आप कह सकते हो कि इक्वल लोज लिक्विडिटी है यहाँ पे इस जोन पे, तो क्योंकि प्राइस नीचे आएगा इस जोन से सीधा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि जोन पे इक्वल लोज थे, ठीक है। एक चीज केस हमारा ये बनता है, उसके नीचे केस हमारा ये है कि ये वाला जो जोन है वहां से प्राइस रिएक्ट कर गया है, तो इस केस में यहां से अगर प्राइस रिएक्ट कर रहा है तो हम सीधे बेयरिश नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे को स्ट्रांगनेस देखने को मिल रही है यूएसडी जेपीवाई में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डेली का भी हमारा डिमांड था, वहीं से डेली के डिमांड में रिएक्ट करके प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है इस एरिया पर, देखो हाँ। अगर देखो अगर ये वाला वीकली, चलो दोबारा वीकली में दोबारा ये वाला लो ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो फिर ये परफेक्ट, फिर ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर यहाँ हमको परफेक्ट ट्रेड मिलेगी इस एरिया के आसपास, परफेक्ट वो फ्लिप एंट्री होती है, वो हमको परफेक्ट ट्रेड मिलेगी क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ है, एक तरीके से बोलो ट्रेंड बुलिश था, बेयरिश में चेंज हो चुका है, अब बेयरिश में कंटिन्यूएशन हो जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा एक तरीके से, तो फिर हमको ट्रेड अच्छी मिलेगी। देखो इस केस में मैं अभी बताया मेजर हाई या मेजर लो जो भी आपको दिख रहे हैं उसके ब्रेक होने का वेट करो, उसके बाद ही ट्रेड लो।
तो वही मैंने बताया ना, अभी यहाँ पर जो सप्लाई बन रहा है या ये ब्रेक हो जाता है ये वीकली का सप्लाई, तो कंफर्म बुलिश हो जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर नीचे का कोई लो ब्रेक होता है, जैसे कोई आप यहाँ से ले लो, क्या चीज नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी वीकली में ये वाले जोन से भी चलता है तो देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ क्या होता है, ये वाला लो फिर से ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमको हम बेयरिश भी जा सकते हैं, बेयरिश ट्रेड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ट्रेंड ने दोबारा कंटिन्यू हो चुका है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने के बाद मार्केट दोबारा बेयरिश में कंटिन्यू हो चुका है, तो यहाँ पर फिर से तो कोई दिक्कत नहीं है यूएसडी जेपीवाई में। या सप्लाई का ब्रेक होने का वेट करो बुलिश जाने के लिए, इस वाले लो को ब्रेक होने का वेट करो बेयरिश जाने के लिए। इसमें हाँ देखो, कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, कंफर्मेशन एंट्री होती है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो उसके बाद एक्सट्रीम उसमें ट्रेड करो, ठीक है। टू आवर में चलो, कोई आपको सप्लाई दिख रहा है? कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि सिर्फ विक्स है देखो इस एरिया पे, तो अभी यहाँ कोई कंफर्मेशन बची नहीं है, ठीक है। तो इस केस में मैं सप्लाई मेरे को देखा था ये कि यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, बट मुझे कुछ दिखा ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैंने दिया भी नहीं। बट मेरे को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड की ट्रेड दिख रही थी दिमाग से, क्योंकि अभी भी कंफर्म नहीं है कि हम ट्रेंड बेयरिश है या बुलिश है, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप डेली को देखोगे अभी मार्केट में अप ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई। तो मैंने बुलिश ट्रेड दी थी यहाँ, क्योंकि सप्लाई से मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। ये देखो मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके चेंज ऑफ अटैक कर चुका है और मार्केट बस हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो एक तरीके से मार्केट अभी भी स्ट्रांग ही चल रहा है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, अभी मैं कुछ बोल ही रहा हूँ, ठीक है। और कोई डाउट? मैं समझा नहीं, ऐसा क्या है आपका मतलब? हाँ 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 तो सप्लाई पर टैप नहीं किया तो कैसे ऊपर चली गई, मतलब? हाँ बना के भेज दो, ठीक है। तब तक कोई और यूरो जेपीवाई बोला था वो देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई है पूरा बुलिश है, पूरा बुलिश है यूरो जेपीवाई, ठीक है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वीकली का और हाँ मैं देखता हूँ, पहले यूरो जेपीवाई का देख लेते हैं, ठीक है। यूरो जेपीवाई वीकली में ओवरऑल बुलिश है, इसमें अभी साफ सी बात है, ट्रेड लेंगे तो बुलिश साइड के लेंगे, बेयरिश साइड की ट्रेड देखने का मतलब ही नहीं है यूरो जेपीवाई में, ठीक है। डेली पे चलते हैं, डेली पे क्या चल रहा है? बहुत परफेक्ट जोन भी दिख रहा है मुझे ये एरिया पे, ये एरिया का जोन जो है और परफेक्ट हो जाएगा
जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, ये वाला हाई, ठीक है, और परफेक्ट हो जाएगा। बट अभी भी ट्रेड करना है तो देख सकते हो एक बार के लिए। वो कैसे देखेंगे अभी बताता हूँ, मैं समझ चुका हूँ क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब जोन, ठीक है, किसको, हाँ इंड्यूसमेंट टेकन आउट यही होता है ना, हाँ उसको मैं लिक्विडिटी ग्रैब कहता हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो फोर आवरली में चलते हैं। एक किसी का माइक ऑन है यार, भावेश भाई माइक बंद कर लो। ठीक है, यूरो जेपीआई में मेरे को डेली में जोन दिखा था, परफेक्ट जोन दिखा था, ठीक है। इंड्यूसमेंट टेकन आउट बोलो या लिक्विडिटी ग्रैब बोलो, दोनों परफेक्ट है, ठीक है। यहीं से हम ट्रेड लेंगे। फोर आवरली में है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, बट कोई ट्रेंड था नहीं था, कोई ट्रेंड नहीं था, बट एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टाइप हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ मिलता है देखते हैं। फोर आवरली में देखो, आप इसी जोन के अंदर एक बार ट्राई करो देखने का, इसी को हम टाइम फ्रेम शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ देखोगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं परफेक्ट, ठीक है, इस डेली के जोन में। तो कुछ नहीं करना, लास्ट ब्लैक कैंडल तक इसको ले आओ, यहाँ तक ले आओ, ठीक है। स्टॉप लॉस कभी ऊपर नहीं किया जाता है, याद रखना, हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस कभी ऊपर नहीं किया जाता है रिफाइनमेंट में, हमेशा एंट्री नीचे लाई जाती है, ठीक है। फोर आवरली में कुछ नहीं दिखा था, नीचे कर लिया मैंने। टू आवरली में चलते हैं। टू आवरली में यस, ये विक मार्क करके रखते हैं अभी तक, ये वाली जो विक में है हमारी, इसको मार्क करके रखते हैं, ठीक है। इस विक का ध्यान रखना, सॉरी विक वाली कैंडल का। टू आवरली में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग ही लग रहा है, उतना कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन अभी आगे देखते हैं आगे मार्केट में चल क्या रहा है अभी के, ठीक है। एक तरीके से लिक्विडिटी ही है, ये एंट्री का ध्यान रखना, ये वर्थ ट्राइंग एंट्री है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। देखो हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, 1 ratio 500 pips भी हमको मिल जाए तो मोर देन इनफ होता है। तो इस ट्रेड में मुझे सियोरिटी लग रही है कि हमको बहुत अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है, थोड़ा पुल बैक यहाँ से आएगा, रिफाइन करेंगे इस जोन को भी, इसको भी मार्क करके रखते हैं, ठीक है। या थोड़ा डाउट आता है इसमें भी, क्योंकि ये डिस्काउंटेड जोन में भी है शायद, ठीक है। वन आवर में चलते हैं। ये वाले जोन पर ध्यान रखना, आप जो भी यूरो जेपीआई ट्रेड करेगा, ये एक परफेक्ट जोन बना है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेडेबल जोन है। और ये जोन अभी के लिए, अब इस केस में मैं करूँगा क्या देखना, ये फुल वाला तो मेरा ऐसे ही मार्क्ड रहेगा, इसमें मेरे को कोई नहीं है, लेकिन ये कैंडल जो लास्ट कैंडल है, इसको मैं एक अलग जोन बना दूंगा, अलग जोन, ठीक है, इसको मैं अलग जोन बना के रखता हूँ, क्योंकि ये लास्ट कैंडल ही है जो मुझे परफेक्ट लग रही है, ठीक है। या ये वर्क करेगा इस वाले, देखो अब इस केस में दो चीज करनी है, ये वाला हमको ट्रिगर होती है तो यहाँ से कंफर्मेशन ले लो, ठीक है, कंफर्मेशन ले लो, चाहे वो एक्सट्रीम है नहीं है, लेकिन अगर एक्सट्रीम के 50% नीचे कहो या ये कहो, ये कैंडल तक अगर प्राइस आता है तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट एंट्री बनेगी, इस वाले एक्सट्रीम से यहाँ से हमारी बनेगी कन्फर्मेशन एंट्री। यहाँ से भी मोस्ट प्रोबेबली कन्फर्मेशन ही करो, यहाँ से भी कन्फर्मेशन ही करो, ठीक है। तो यूरो जेपीवाई में अभी ट्रेडेबल यही लग रहा है, सप्लाई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सप्लाई देखने के लिए कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये जो मैंने मार्क किया था परफेक्ट विक यही था। देखो मोस्ट प्रोबेबली मुझे अभी भी जिसमें दो मार्क हैं, देखो दो टिक है जिसमें, जो विक है, यही सेटअप मैंने यूरो यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड किया। आपको अगर ध्यान होगा, एक विक जोन पे, विक वाले जोन पे मैंने एंट्री ली, वहां से मैंने कंफर्मेशन ली थी, सेम वही सेटअप है, ठीक है, सेम वही जोन है ये वाला जो विक जोन है। आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छा जोन है ये भी, ये विक जोन बोलो या ये वाला जोन बोलो, बहुत परफेक्ट जोन ये वाला भी है, ऊपर वाला जोन मार्क किया है, बहुत परफेक्ट जोन है ये भी, प्रॉपर इम्बेलेंस के साथ, जिस रेंज ने ब्रेकआउट किया, एक तरीके से आप माइनर चेंज ऑफ फैक्टर कहो, ये वाला चेंज ऑफ फैक्टर कहो, वो इसी रेंज ने किया है। ये यहाँ पर एक रेंज फॉर्म हुई, लास्ट रेंज थी, ठीक है, वहीं से हुआ है। तो एक तरीके से मुझे ये परफेक्ट जोन ये भी लगता है, तो वर्क कर सकता है। तो ये था यूरो जेपीआई का एनालिसिस, और सप्लाई में देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट फुल बुलिश ट्रेंड में है,
ठीक है, ये देखो और कोई डाउट? हाँ एक मिनट, एक मिनट अभी आता हूँ। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई का शॉर्ट, हाँ ये वाला तो मेरा फर्स्ट टारगेट था। अभी अगर आपने देखा होगा ना भाई, क्या हार्दिक नाम था शायद, हाँ हार्दिक, ठीक है आपने अगर देखा होगा तो ये मेरा यूएसडी जेपीवाई फर्स्ट टारगेट था, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप यहाँ से अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये एक ट्रेड बनेगी। बट एक मिस्टेक मुझे दिख रही है, या तो आप शॉर्ट साइड के लिए जाओ या लॉन्ग साइड के लिए जाओ। शॉर्ट साइड के लिए आप जा रहे हो बट टारगेट आपने यहाँ रखा है, लेकिन आप बीच में से कहीं लॉन्ग के लिए जा रहे हो, तो ये कोई परफेक्ट इतना बनता नहीं है। बहुत परफेक्ट आपका बनेगा शॉर्ट, आपने सही किया है, ये जो आपने का जोन था ये एक अच्छा जोन है, यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली ये वर्क नहीं करेगा। वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस वाले एरिया ने कोई जोन नहीं तोड़ा है, मतलब कोई हाई नहीं तोड़ा है, और ये वाला हाई भी अगर ये तोड़ देता तो भी हम कहते कि वर्क करेगा, बट अभी इसने कोई हाई नहीं तोड़ा है, तो अभी के लिए शॉर्ट साइड की ट्रेड अच्छी है। क्या ये क्या था? अच्छा ये आपका वही वाला सप्लाई है, हाँ परफेक्ट एनालिसिस, मैंने कहा था ना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर यही है, ये जो आपने मार्क किया यही है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर था, हाँ वही था, और वीकली का जोन भी आपने वीकली का ही मार्क किया शायद, ये सही मार्क किया है एकदम। ठीक है इसको 1 आवर में यूरो जेपीवाई को, हाँ बताओ भावेश भाई। ये हाँ नहीं, मुझे ये उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो प्रीवियस लो था ए वैलिड लो, ठीक है ये वाला ये वैलिड लो था, इसका कोई नहीं, देखो इस केस में, अरे एक मिनट इस केस में ये वाला हमारा जो हाई है, ये सॉरी जोन है, तभी वैलिड होता जब मैं ये देख लेता कि इस वाले लो का लिक्विडिटी ले चुका है, लेकिन अभी इसने कुछ प्रॉपर लिया नहीं है, एक तरीके से प्रॉपर लिक्विडिटी ली नहीं है। ये वाला जो स्ट्रॉन्ग हमारा हाई लो है वो अभी पेंडिंग है, और इसके नीचे उससे ही बड़ी बात एक स्ट्रॉन्ग जोन है। देखो 4 आवर्ली में भी जाओगे आपको दिखेगा, देखो 4 आवर्ली में भी जाओगे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल वाला जोन दिखेगा जिसमें इम्बेलेंस है। अभी भी मेरे को इसके नीचे वाला ही जोन प्रॉपर लग रहा है, ठीक है अभी तो मैं फिलहाल कहूँगा यही वाला जोन ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना भी है ये वाले हाई ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो एक तरीके से फिर क्या डिनोट होता है, ये वाला हाई अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये डिनोट हो जाएगा कि मार्केट ने ऐसा कुछ किया है, हाई एक लो बनाया फिर हाई बनाया, तो इस केस में ये ट्रेडेबल बन जाएगा। अब क्यों बनेगा वो देखो, मार्केट ने हायर हाइस हायर लोस बना रहा है, ठीक है मार्केट हायर हाइस हायर लोस बना रहा है, चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हमारी ये फ्लिप एंट्री बनेगी, तब ये जोन वैलिड रहेगा अगर ये हाई ब्रेक होता है। तो जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्राई करो यही वाला जोन ट्रेड करो, ठीक है। पंद्रह मिनट देखने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, क्योंकि सारा गेम तो यहाँ अवली में ही चल रहा है। 15 मिनट में अगर यूरो जेपीवाई में चले जाओगे तो सिर्फ कंफ्यूजन मिलेगी, फिर भी चलते हैं। हाँ बताओ ये वाला, ये वाली हाँ ये एक जोन है, थोड़ा बहुत ट्रेंड राइड करना है तो जोन है, ठीक है एक तरीके से इक्वल लोस थे बट ये ग्रैब हो चुके होंगे, हाँ ये ब्रेक हो चुके होंगे, नहीं नहीं ये तो अभी भी, हाँ ये ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है तो ये परफेक्ट, हाँ ये एक जोन है परफेक्ट है। आपको ट्रेड अगर करनी है छोटी मोटी ट्रेड करनी है, बट मैं टारगेट क्या होते हैं इसमें आपको अच्छा खासा मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक प्रीवियस हाई तक 14 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 1:5 की ट्रेड इस जोन से मिल सकती है।
और कोई डाउट? हेलो भाई, जैसे हाँ माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब एक मेजर ट्रेंड के अंदर माइनर ट्रेंड चल रहा होता है। मैं समझा नहीं, देखो हमेशा ट्राई करो मेजर देखो, ठीक है। मेजर मान लो आवली में आपका हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, तो उसके अंदर सब स्ट्रक्चर्स बने होंगे 15 मिनट के अलग हाई राइज हाई लोज, तो मेजर को ट्राई करो, मेजर के डिमांड से ट्रेड करो, मेजर के डिमांड से, और माइनर के चेंज ऑफ करेक्टर पे ट्रेड कर लो। मेजर का डिमांड होगा, माइनर में चेंज ऑफ करेक्टर जब हो जाएगा डिमांड टाइप करके, तब ट्रेड करो, बहुत परफेक्ट बनेगी। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ अगर आपको याद होगा, आपने अगर कोर्स में देखा होगा जितना मेरे ख्याल देखो, उसमें आपने देखा होगा दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मेजर स्ट्रक्चर और उसके अंदर बनता है सब स्ट्रक्चर या माइनर स्ट्रक्चर, ठीक है। आवली में हायर हाइस हाई लोस अगर बन रहे हैं, ठीक है, आवली में हायर हाइस हाई लोस बन रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको आवली के डिमांड मार्क करने, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड दिखेगा वो आपको मार्क करना है, ठीक है। उस केस में इसके अंदर ये आवली का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर कुछ अलग स्ट्रक्चर बने होंगे 5 मिनट, ऐसा कुछ होगा। यहाँ से देखो छोटे छोटे लोअर हाइस लोअर लोअर, ठीक है, ये ऐसा कुछ बना होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज डिनोट मिलेगी, यहाँ पर ये मिलेगा कि यहाँ पर से पुल बैक आया है आवली में 5 मिनट में, ये भी तो देखो 5 मिनट में यहाँ पर चेंज ऑफ अल्टर भी हुआ है, तो यहाँ पर एक तरीके से एंट्री भी है, एक एंट्री है आवली के स्ट्रांग लो से, आवली के स्ट्रांग लो से डिमांड पे एंट्री। आवली में प्राइस कैसे आएगा? प्राइस जब रिटर्न करेगा सीधे रिटर्न करेगा, ठीक है, आवली का पुल बैक, लेकिन ये जो छोटे टाइम फ्रेम में आएगा 5 मिनट में, वो ऐसे आएगा, ऐसे हायर लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए। तो इस केस में या तो डायरेक्ट एंट्री कर लो, वो भी बेनिफिट रहेगा, या छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करके एंट्री ले लो, ठीक है, या ऐसे करके। हाँ हाँ एक्सट्रीम ही, एक्सट्रीम ही लो जिस केस। देखो कभी भी एक और चीज ध्यान रखो, कभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना, अच्छा कौन से कहाँ ट्रेड करें क्या ट्रेड करें, तो उस केस में सेफ रहना बेटर रहता है। और सेफ कैसे रहते हैं? हमेशा एक्सट्रीम ट्रेड कर रहे, एक्सट्रीम कभी भी आपको अगर ट्रेड्स अच्छी नहीं चल रही होती हैं तो ट्राई करो ओनली एक्सट्रीम ट्रेड करने का, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम मोस्ट प्रोबेबली वर्क करता है। मतलब क्या होता है, मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लोज को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। इस केस में ये स्ट्रॉन्ग लोज है, ये स्ट्रॉन्ग लोज है, इनको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट में। अगर आपको कहीं यहाँ पर जोन मिल रहा है तो वो अगर उतना परफेक्ट हो ना हो, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग लो वाला जोन होगा एक्सट्रीम पे, वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस वाले से। तो अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है तो एक्सट्रीम ट्रेड करो। और भावेश भाई की एक और मिस्टेक बता रहा हूँ मैं आपकी, आप बहुत सारी स्क्रिप्ट ट्रेड करते हो, बहुत सारी स्क्रिप्ट, ठीक है, 2 या 3 स्क्रिप्ट चूज कर लो। अब मैंने क्या कर दिया है अपनी ट्रेड पे, मैं बस 2 या शुरू के 3 स्क्रिप्ट जो यहाँ रखी है मैंने, मैं उन्हीं को ट्रेड करता हूँ। ये तो बस मैंने एनालिसिस कोई मांगता है तो उसके लिए रखी है, ठीक है, मैं बस ट्रेड ये 3 स्क्रिप्ट करता हूँ, बस 3 स्क्रिप्ट ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ट्राई करो बस अच्छा स्क्रिप्ट देखनी है, बस शुरू की 4 गोल भी मैं थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि अभी मेरा परफेक्ट उतना नहीं चल रहा है ट्रेड, लेकिन USD JPY में बहुत कवर किया है, बहुत ज़्यादा कवर, एक ही ट्रेड चाहिए जो बहुत कुछ कवर कर दे। ठीक है, गोल्ड में क्या चल रहा था, गोल्ड की एनालिसिस पहले से बनी हुई है, गोल्ड में अभी भी ये सो क्या मैं
हाँ एक मिनट, हाँ गोल्ड में एक तरीके से मैं भी बुलिश हूँ, मैं इस डिमांड का वेट कर रहा हूँ, बट ये मैंने मार्क किया है। अब कब किया था, क्यों किया था, मेरे को इतना याद नहीं। मैं गोल्ड में बहुत समय से एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। पांच मिनट हाँ बताओ। हाँ कहाँ पे ये, हाँ ये वाला होगा अभी तो फिलहाल इस ये से लेके चल सकती है, बट अभी गोल्ड नो ट्रेडिंग जोन में, ये हाई और ये लो तक नो ट्रेडिंग जोन में, कुछ ट्रेड नहीं मिलेगी यहाँ। ठीक है, अभी मैं गोल्ड पे कोई ट्रेड पे नहीं हूँ और ये नो ट्रेडिंग जोन है और दोनों लिक्विडिटी पॉइंट हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। आप बुलिश साइड बैठे हो, बेरिश साइड, बुलिश ही हो गया। हाँ क्योंकि डिमांड से लिया है ना, वेट कर लो और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि स्टॉप लॉस भी नहीं है, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे ही रहेगा। नहीं, थोड़ा रिस्की रहेगा, मत करो। ना ना मत करो, बहुत ज्यादा ही नहीं, बेकार है, ट्रेडिंग बेकार है। हाँ तो फिर मार्केट थोड़ा आप कह सकते हो कि 15 मिनट या 30 मिनट में अप ट्रेंड में आ जाता, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, ये देखो ना, मार्केट ने यहाँ की भी लिक्विडिटी ली है और मार्केट ने यहाँ की भी लिक्विडिटी ली है, बस और कुछ नहीं किया, दोनों साइड की लिक्विडिटी ले गए, बीच में चल रहा है। जब तक ये हाई लो ब्रेक नहीं होते तब तक वेट ही करो। हाँ वो सेफ है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट? IDM भाई, IDM मैं अब अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधे इसकी आपको वीडियो भेज रहा हूँ, मेरे को DM करना, मैं IDM का पूरा लॉजिक समझा चुका हूँ, सबको बताऊंगा, शायद भावेश भाई आपको भी, सबको बताऊंगा क्या है इसका लॉजिक, हर मीट में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, हर मीट पे। हाँ IDM इन्वेस्टमेंट ही हुआ, हाँ वो होता है, वो देखो थोड़ा ध्यान दो, वो समझ में आ जाएगा आपको इंड्यूसमेंट का लॉजिक क्या है। मेरे भाई आपने जिसने ही बोला था ये, मेरे को बस DM करना, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ एक, ठीक है, बहुत अच्छी है IDM के पीछे की लॉजिक की, वो आप देखना एक बार, नहीं आएगी समझ तो पूछना। ठीक है अभी एंड करते हैं, अगर डाउट वाउट नहीं है तो एंड करते हैं, ठीक है। हाँ बताओ बताओ, हाँ बताओ बताओ। CHL JPY अगर भेजा होगा तो अभी भी होगा वो। अच्छा CAD CHF, देखो एक तरीके से आप लोगों को इसमें ये इंड्यूसमेंट लगेगा, लगेगा ना,
ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लगेगा और ये लिक्विडिटी पॉइंट है भी। इसमें इंड्यूसमेंट कहने की जरूरत क्या है, जब भी किसी जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया होता है तो उस जोन पर ट्रेड लिया ही नहीं जाता है। इस जोन पर देखो, यहाँ पर एक प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब वाला जोन है तो यहाँ पर से ट्रेड ले लिया जाएगा, वो चलेगा। बट इस जोन ने कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं था तो यहाँ पर ट्रेड बनता ही नहीं था। वो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में कोई दिया होगा तो कुछ अलग होगा, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड बनता नहीं है। और यहाँ पर मैं जो ट्रेड दी थी वो मैंने क्यों दी थी उसका भी लॉजिक समझो, ठीक है। ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम में दी होगी शायद 2 आवरली में, हाँ एक जो भी दी थी, हाँ यहाँ पर कोई जोन है मैं समझ गया। मैंने एज अ लिक्विडिटी पॉइंट लिया था इसमें, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर लिक्विडिटी पॉइंट ही है। 1 आवर में चलते हैं, देखते हैं क्या एनालिसिस था और क्यों गलत था। देखो एक लिक्विडिटी ग्रैब टाइप ही जोन दिया था मैंने, शायद ये मैंने बस इतना इसमें सोचा था कि ये मैंने एज अ इंड्यूसमेंट मार्क किया था जो आप कहते हो, लेकिन ये प्रॉपर एक जोन ही नहीं है क्योंकि इस जोन ने कोई लिक्विडिटी ही नहीं ली है, तो ये है ही लिक्विडिटी जोन, इसको इंड्यूसमेंट कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक प्रॉपर जोन बनता है। बट हाँ, ये इसलिए गया मुझे लग रहा है, ये इम्पैक्ट गंदा था, ये शायद मेरे को लग रहा है इस न्यूज इम्पैक्ट की वजह से गया है ये, ठीक है। बट ये एक स्ट्रॉन्ग लो था, यहाँ से बहुत चांसेस थी कि प्राइस रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पर ये न्यूज इम्पैक्ट आया था शायद बहुत हैवी। हाँ एक मिनट 2 आवर पे कहाँ है मिटिगेटेड, फुल मैंडेट नहीं, नहीं मिटिगेटेड तब होती जब ये वाली विक कट करती इसको, ये वाली विक नीचे आती, ये तब होती है मिटिगेटेड। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, जब तक इसको क्रॉस ना कर दे ये कैंडल ने इसको, देखो नेक्स्ट जो सेकंड कैंडल है ना इसमें ब्लैक के, सेकंड कैंडल ब्लैक वाली की सेकंड कैंडल, उसने इसको ब्रेक नहीं किया है, क्लोजिंग नहीं दी है, ये देखो, ठीक है, क्लोजिंग देने वाली कैंडल ये है, तो इसके बाद की जो कैंडल होगी ये मिटिगेट करेगी और इसने मिटिगेट नहीं किया था। मैं याद आ गया आप कब बोल रहे थे, एक दिन मैंने आपको जोन बनाया था जो आपका फुल में मिटिगेटेड था, आपने विक मार्क करी थी उसकी, हाँ वही मेरे को याद आ गया, वो आपका मिटिगेटेड था क्योंकि आधी कैंडल आपकी मिटिगेटेड थी तो पूरा नीचे का पार्ट ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं था, ठीक है। नहीं नहीं ये अनमिटिगेटेड है भाई, देखो क्लोजिंग डिपेंड करता है, क्लोजिंग नहीं किया सेकंड कैंडल ने, कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ दिया है तो इसके नेक्स्ट कैंडल मिटिगेट करेगी इसको, वो जो नहीं किया है, ठीक है। क्या चीज, देखो मिटिगेशन प्रोसेस क्या है, कि मिटिगेशन होता क्या है, एक तरीके से जो आपका जोन है उसके जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो कहीं और ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, उसको मिटिगेट कर जाए, मतलब ऑर्डर्स ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इस कैंडल को अगर आप देखोगे, लास्ट ब्लैक कैंडल को, इसका हाई लो मार्क करो, ठीक है, ये इसका हाई होगा, ये इसका लो होगा, हाई लो हमने मार्क किया, हाई लो के बाद क्लोजिंग इस कैंडल ने दे रखी है, ठीक है। तो ये कैंडल की जो वीक आप कह रहे हो इसमें टच हो गई, ये एक मिटिगेशन नहीं है, मिटिगेशन तब होगी जब प्राइस रैली ऊपर जाके नीचे आके इसको मिटिगेट करेगी, ठीक है, ये मिटिगेशन होगी। इस केस में अगर आप ये वाले कैंडल देखो ना, ये ब्लैक कैंडल भाई, ये वाली यहाँ पर, ये मिटिगेट नहीं है इस कैंडल में, अगर यहाँ से कोई, यहाँ से इनमें से कोई कैंडल नीचे आती तो ये मिटिगेट होती, ठीक है। अभी इस केस में ये मिटिगेटेड कैंडल नहीं है, है? कहाँ है चाइल्ड कैंडल, हाँ हाँ वो मैं समझ गया, इस वाली कैंडल के अंदर, हाँ मैं समझ गया, वो चाइल्ड कैंडल, मदर कैंडल बोलते हैं, इनसाइड बार चाइल्ड कैंडल इनसाइड बार हुआ वो, ठीक है, बट मार्क किया है मैंने, इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जस्ट आपकी एक इनसाइड बार नहीं है, वो एक पुल बैक है,
फुल बैक है, ठीक है, वो वर्क भी किया था परफेक्ट। हाँ ये बॉस को ये अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो अल रहे आप इसको चौच को मानोगे बोल रहे हो, पहले डेली देख लो ठीक है। डेली में इसमें चल क्या रहा है, हाँ परफेक्ट मान सकते हैं इस जोन से। पूरा सीएडी सीएचएफ जो है हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मैंने मार्क किए हैं, देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किए हैं, ये लिक्विडिटी पॉइंट था टैप किया है ठीक है, यहाँ परफेक्ट ट्रेड मिल सकती है सीएडी सीएचएफ में। अब इसमें क्या हुआ है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यस मान सकते हो आप, ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऊपर सप्लाई इसको ट्रेड करने लायक है, ये ट्रेड करने लायक है, इसको मैं भी नोट कर लेता हूँ अभी, इसको मैं भी देखूँगा ठीक है। जोन भी अच्छा है, हैवी इम्बेलेंस के साथ है, अच्छा मिलेगा। हाँ अंदर वाले गेंद बॉक्स की जरूरत ही नहीं है, सीधे अंदर ही चले जाओ। ठीक है और कोई डाउट? कौन सी वाली? हाँ ठीक है चलेगा, वो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा चलेगा ठीक है, अभी एंड करते हैं, और कोई डाउट होगा बताना मैसेज में ठीक है।